बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहन का सलाम पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ बातें आपको बतानी है इस सिलसिले में, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है ना वो कमेंट्स आते हैं और ये सवाल पूछते रहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि पूछते हैं कि जी फैमिली पेंशन बहाल होती है, डबल होती है, उस पर हमें डबल कहते हैं, लेकिन ये होती है रेस्टोरेशन या बहाली है। तो ये क्लियर कट एक चीज जहन में बिठा लें कि जिनकी पेंशन कम्यूट होती है, चाहे वो सेल्फ पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो, जो पेंशन कम्यूट होती है वो बहाल भी होगी। मोटा सा एक असूल है, सादा सा असूल है कि जिनकी पेंशन कम्यूट होती है वो बहाल भी होती है। तो अक्सर पेंशन कम्यूट होती है तो बहाली भी लाजमी है। इसी तरह फैमिली पेंशन है कि फैमिली पेंशन बहाल होती है तो बहाल बिल्कुल होती है, फैमिली पेंशन बहाल होती है। अब इसमें जो है ना वफाक में 1/6/94 से उनको बहाली दी जा रही है, फैमिली पेंशन बहाली का फायदा दिया जा रहा है। और सिंध में भी जो है ना, पहले शुरू में उन्होंने इनकार किया कि फैमिली पेंशन बहाल नहीं होती थी, लेकिन बाद में 2006 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके फैमिली पेंशन बहाली का फायदा फैमिली पेंशनर्स को देना शुरू कर दिया। इसी तरह केपीके में भी फैमिली पेंशन बहाल होती है, बहाल हो रही है, लेकिन पंजाब में नहीं है। पंजाब वाले जो है ना वो फैमिली पेंशनर को ये फैमिली पेंशन बहाली की जो है वो बेनिफिट नहीं दे रहे, फैमिली पेंशन बहाल नहीं होती पंजाब में। किस केस में? अब दो चीजें हैं, एक तो होती है मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात, और दूसरी सूरत होती है बाद अज रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद कोई जो है पेंशनर फौत हो जाए। अब बाद अज रिटायरमेंट जो फौत होता है उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है, तो जो पीरियड पूरा हो जाता है रेस्टोरेशन का, तो फैमिली पेंशन बहाल हो जाती है बाद अज रिटायरमेंट। यानी कोई आदमी रिटायर हुआ, मुलाजम रिटायर हुआ, बाद में रिटायरमेंट के बाद वो फौत हो गया, 72 साल में फर्ज किया उसकी जो है ना वो रेस्टोरेशन होनी थी, लेकिन वो 66 साल की उम्र में फौत हो गया, तो 6 साल बाद फैमिली पेंशन बहाल हो जाएगी। जो फैमिली पेंशन ले रहा होगा उसकी फैमिली पेंशन बहाल हो जाएगी। लेकिन पंजाब में जो दौरान सर्विस फौत होता है उसकी फैमिली पेंशन बहाल नहीं की जाती। एक 1963 के रूल का अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने हवाला दिया 12.8(b) का, कि उसकी रूल से जो दौरान सर्विस मुलाजिम फौत हो उसकी पेंशन जो है वो पंजाब में बहाल नहीं की जाती। तो इसके खिलाफ एक फैमिली पेंशनर ने जो है ना वो केस कर दिया मुहतसिब आला पंजाब के दफ्तर में, उसकी अदालत में। तो मुख्तसर पंजाब ने बड़ा शानदार एक फैसला किया अक्टूबर 2022 में, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा ये फैसला। उसकी रूह से उन्होंने करार दिया कि जो 1/6/94 की जो लेटर है, नोटिफिकेशन है 1/6/94 18/7/94 का जो लेटर है पंजाब का, जिसमें फायदा दिया गया है 1/6/94 से 1/6/94 से फैमिली पेंशन बहाली का, तो वो तमाम फैमिली पेंशनर को दिया जाना चाहिए, चाहे वो बाद अज रिटायरमेंट उनकी डेथ हुई हो या दौरान सर्विस डेथ हुई हो। तो जो फैमिली पेंशनर हैं इन दोनों सूरतों में फैमिली पेंशन का फायदा जो है ना वो फैमिली पेंशनर को मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब जो है अकाउंटेंट जनरल पंजाब वो 1963 के पेंशन रूल्स के रूल नंबर 12.8(d) का हवाला देते हैं कि नीचे उसके लिखा हुआ है कि जो दौरान सर्विस फौत हो जाए उसको ये फायदा नहीं दिया जा सकता। तो मुहतसिब पंजाब ने जो है ना इन दोनों सूरतों में कहा है कि इन दोनों सूरतों में जो फैमिली पेंशनर है उसको फैमिली पेंशन बहाली का फायदा मिलना चाहिए। ये यानी बुनियादी इंसानी हकूक की या ये जो है खिलाफ वर्जी है कि पंजाब में अपना सिंध में भी हो रहा है, वफाक में भी हो रहा है, केपीके में भी मिल रहा है, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो पंजाब वाले ने क्या कसूर कर दिया कि जो दौरान सर्विस फौत हो गया उसका ये कसूर हो गया कि उसकी फैमिली को पेंशन जो है ना फैमिली पेंशन बहाली ना हो उसकी? तो ये सरासर ज्यादती है। तो इस सिलसिले में आप जो है ना मुहतसिब पंजाब का जो ये जो फैसला चल रहा है गालिबन अक्टूबर 2022
22 का ये फैसला है, इसको जवाज बनाकर आप कोई भी जो फैमिली हो, जिसका शौहर फौत हो गया हो या जिसका वालिद फौत हो गया हो और उनकी फैमिली पेंशन बहाल ना हो रही हो, तो वो सूबाई मुहतसिब पंजाब को जो है ना बजरिया डाक भी दरख्वास्त दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि उनकी फैमिली पेंशन बहाल की जाए, तो इंशाल्लाह उनकी फैमिली पेंशन जो है ना वो बहाल होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, डिटेल के साथ चीजें डिस्कस करने वाली हैं, तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको सामने रख दी हैं कि फैमिली पेंशन यकीनन बहाल होती है, लेकिन दौरान सर्विस वफात की सूरत में पंजाब में बहाल नहीं हो रही, सिर्फ ये एक्सेप्शन है और बाकी हर जगह केपी के बलोचिस्तान सिंध वफात में जो है ना दौरान सर्विस वफात हो या बाद अज रिटायरमेंट वफात हो फैमिली पेंशन बहाल होती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।